आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हम फोर टाइप्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए कितना परफेक्ट उठा हुआ आया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो के मिल सके, और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो ये देखिए टक्स वाला ब्लाउज़ है, तो इसमें जो टक्स डले हैं मेन टक्स है, और तीन जो है सपोर्ट के लिए टक्स जो है वो छोटे छोटे डले हैं। तो अब क्या करना है, आपको मेन फैब्रिक को रखना है और गले पे पहले स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से आप स्टिच लगा दीजिए, एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर दीजिए। इसमें आपको कट लगाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कट लगाने से आपका जो गला है वो बहुत अच्छे से बन के आएगा। इसको ऐसे पलट लीजिए, पलट के इसमें आप किनारे वाली सिलाई लगा सकते हैं, एक बूट की सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो सिलाई ना भी लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक बूट की सिलाई लगा रही हूँ, तो ऐसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है एकदम फिनिशिंग के साथ। ये देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, इसको एक बूट की सिलाई बोलती हूँ मैं, ठीक है। ऐसे आपको लगा लेना है। अब क्या करना है, आपको जो मेन टक्स है जो हमने ये पहले से निशान लगाए हैं, इसके नाप का भी वीडियो मैंने शेयर किया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं सादे ब्लाउज की कटिंग, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपको जो टक्स है उनको आपको ऐसे कट लगाए थे जो, उनको कट से कट को मिला के अब मेन, सबसे पहले मेन टक्स डाला जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ को आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सके, समझ में आए। अब इसको आपको अच्छे से मजबूती के साथ सिलाई लगा देनी है। देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी, मैंने दो और टक्स भी डाल लिया है। ऐसे ही आपको चारों एकदम डार्ट कंप्लीट कर देना है। डबल सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अब ये लास्ट आर्म होल वाला रह गया है, इसको भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट एकदम उठा हुआ आया है। इस तरीके से आप डालेंगे तो डार्ट एकदम परफेक्ट आएगा। अब ये देखिए जो गला भी कितना अच्छा है हमारा बनके। अब ये मैंने तीरा पट्टी पहले से कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको तीरा पट्टी का नाप लगाना नहीं आता या उसको कैसे स्टिच करना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं तीरा पट्टी का भी आपको एक वीडियो बना के दूंगी। अब ये देखिए जो मेन टक्स है इसको आपको स्टिच नहीं करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर ऐसे फोल्ड नहीं करोगे तो जो आपको फिटिंग चाहिए, जो ब्लाउज़ में उठाव है, वो उठाव इसका बिल्कुल चला जाएगा। इसके बाद ऐसे आप सिलाई लगा लीजिए, डबल सिलाई भी लगा ली हमने। अब यह मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना परफेक्ट एकदम जैसा मैंने पहले ही आपको कंप्लीट दिखाया था वैसे सेम आया है। इसके बाद मैंने पट्टी कट की है, 2 इंच इसकी चौड़ाई है, बाकी जो लंबाई है आपका बेल्ट जो है पट्टी उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मतलब आधा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना दोनों तरफ और उल्टी तरफ रख देना है। उस पर हमें सिलाई लगानी। इससे पहले एक ज़रूरी बात ये है कि जो तीरा पट्टी आपने जोड़ी है, जो स्टिचिंग का एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको आपको ऊपर की तरफ करना है और स्टिच लगा देनी है। ये देखिए स्टिच लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। आधा इंच ही हमें एक्स्ट्रा जो हमने लिया है उसको ही हमें स्टिच करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आपने जो ये पट्टी रखनी है लगभग 1.25 इंच की रखनी है, छोटी पट्टी नहीं रखनी है, बड़ी ही रखनी है आपको इसको। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करेंगे, आप 1/2 इंच से 1.25 इंच अंदर फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से हम इसको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपसे नहीं बन रहा है, आप फ्रेशर है, तो पहले इसको आप कच्चा कर लीजिए और इसके बाद फिर पक्का कीजिए। जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी लगाना सीख जाओगे। और लास्ट में भी देखिए नीचे से भी हमने ऐसा ही इसको जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच था उसको फोल्ड कर दिया और फाइनल ये बैक सिलाई लगा दी। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है बनने पर। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन के आ गई है हमारा 4 टक्स वाला ब्लाउज़, कंप्लीट हो गया है।
देखिए कितना एकदम परफेक्ट आया है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियो मिल जाए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।